हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी एम जरूर करें एंड किसी भी अनदर डिवाइस में आप लोग इंटरनेट कैसे यूज़ कर सकते हो ब्लूटूथ के ऑप्शन से। ठीक है, ब्लूटूथ जो ऑप्शन है अभी सिंपली गाइस मैं ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ, जस्ट यहाँ पर गाइस आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ का जो हर फोन में रहता है। तो इससे गाइस आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, एक फ़ोन से इस फोन में, दूसरे फोन से इस फोन में। मतलब गाइस आपके पास जो अगर दो डिवाइस है तो इस फोन का इंटरनेट उसमें यूज़ कर सकते हो एंड इस फोन का इसमें भी कर सकते हो। बट आप सोच रहे हो कि भाई जीत भाई हमें ये सब क्यों बता रहे हो, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लूटूथ से ये सब कर सकते हो। आप लोग सोच रहे हैं कि ब्लूटूथ से तो क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ पर मोबाइल डेटा एंड हॉटस्पॉट ये सब है, इससे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। बट ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए मैं बताऊँगा, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। एंड मैं चलता हूँ सीधा ब्लूटूथ में, आपको दिखाऊंगा कैसे आपको कनेक्ट करना है, किस तरीके से करना है। सिंपली गाइस दोनों ब्लूटूथ को आपको प्रेस करके रखना होगा, जस्ट मैं दोनों ब्लूटूथ को प्रेस करके रखता हूँ। सिंपली गाइस दोनों ब्लूटूथ को आपको अभी ऑन कर देना होगा। जस्ट गाइस ऑन करते हो तो गाइस इससे आपका नेटवर्क स्पीड फास्ट चलेगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हो आपके दूसरे डिवाइस जो ब्लूटूथ का नेम है उसको सिलेक्ट यहाँ पर सिंपली क्लिक करके उसको कनेक्ट करना होगा। जस्ट यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो सिंपली सबसे पहले मैं इसको फॉरेस्ट स्टॉप कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे कनेक्ट करना है आपको सिंपली। तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो गाइस जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जस्ट यहाँ पर दोनों फोन में मैसेज आएगा, इसमें ओके पे क्लिक करना होगा, इसमें पेयर पे क्लिक करना होगा। जस्ट पेयर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपका काम हो गया खत्म। तो सिंपली गाइस आपको सेटिंग में एक काम करना होगा जिससे कि हमारा जो इंटरनेट है वो चल पाएगा आराम से। तो सिंपली गाइस आपको अगर सैमसंग फ़ोन से लेना है इस फ़ोन में तो सिंपली इस फ़ोन से इस फ़ोन में एक सेटिंग करना पड़ता है, जस्ट मैं अभी करके दिखाऊंगा। जस्ट सिंपली गाइस यहाँ पर मैं सेटिंग में चले जाता हूँ, सेटिंग में जाके एक मतलब ऑप्शन को आपको अनेबल करना होगा। जस्ट गाइस ऑप्शन को कैसे अनेबल करना होगा वो आपको मैं बताऊँगा। तो सिंपली गाइस ऑप्शन को अनेबल कैसे करना है, यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में एक कनेक्शन कंटिन्यूस कर एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद मोबाइल हॉटस्पॉट एंड ट्रेंडिंग पे क्लिक करना होगा। सिंपली जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद गाइस यहाँ पर ब्लूटूथ ट्रेंडिंग का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली इसको क्लिक करना होगा। सिंपली गाइस इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हो गाइस, अब मेरे दूसरे स्क्रीन पर देखो डिवाइस दूसरे में मैं दोनों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो सैमसंग एमजरोन कोर में, सिंपली मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग पर। जस्ट सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंटरनेट एक्सेस। सिंपली गाइस इंटरनेट एक्सेस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में देखना कनेक्टिंग का ऑप्शन होता है एंड ये जस्ट आपका कनेक्ट हो चुका है। एंड मेरे ऊपर देखो टावर के बगल में चार्जिंग पॉइंट के जस्ट बगल में वो मेरा शो हो रहा है नेटवर्क स्पीड। अब नेटवर्क स्पीड कैसे आपको यूज़ करना होगा सिंपली गाइस मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मेरे फ़ोन में देखो गाइस यहाँ पर अभी मोबाइल डेटा ऑफ है एंड इस फोन में अभी गाइस मोबाइल डेटा ऑफ है। सिंपली गाइस इस फोन का अभी मोबाइल डेटा को ऑन कर देना होगा तभी आपका इंटरनेट चल पाएगा। ऊपर यहाँ पर देखो गाइस ब्लूटूथ के ऑप्शन पर गैलेक्सी एमजरोन कोर लिखा है। तो सिंपली गाइस अभी मेरे फ़ोन में यहाँ पर देखो गाइस कि यहाँ पर मोबाइल डेटा ऑफ है। सिंपली गाइस मैं किसी दूसरे हॉटस्पॉट भी नहीं ले रहा हूँ, जस्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट किया। सिंपली गाइस यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब में आराम से चला लूँगा क्योंकि मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट करके रखा। यहाँ पर देखो ट्रेंडिंग और हॉटस्पॉट एक्टिव्स का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली गाइस ये देखो मेरा बिना इंटरनेट के ये मेरा चल गया। अभी मैं थोड़ा सा गाइस मेरा नेट स्लो है इसलिए अब स्लोली आ रहा है। सिंपली गाइस मेरा नेट चल गया। एंड गाइस आप दूसरे डिवाइस से अगर आप लेना चाहते हो अपने सैमसंग के फ़ोन में, सिंपली कुछ नहीं करना होगा, सिंपली मैं बैक चला जाता हूँ। एंड आपको किस तरीके से करना होगा सिंपली ब्लूटूथ के ऑप्शन में आ जाना होगा। दोनों डिवाइस में ब्लूटूथ के ऑप्शन में आने के बाद जैसे मैंने कनेक्ट करना बताया वैसे ही आप लोग कनेक्ट कर लेना। एंड सिंपली गाइस सेटिंग में आपको जैसे मैंने करने के लिए बताया वैसे सेटिंग में करना। सिंपली गाइस इस फ़ोन के मैं सेटिंग में जाता हूँ, इस फ़ोन का फोन इंटरनेट ऑफ कर देना होगा। ऑफ करने के बाद गाइस सिंपली यहाँ पर कनेक्शन पे जैसे जैसे मैं बोला था उसको आपको ऑफ करना होगा। जस्ट आपको यहाँ पर वन डिवाइस इसको ऑफ कर देना होगा। एंड सिंपली गाइस आप किसी के फ़ोन में अगर लेना चाहते हो किसी फ़ोन से आप अपने फ़ोन में लेना चाहते हो ये गाइस बेटर जो सेटिंग है वो आपने दोस्तों के फ़ोन से हॉटस्पॉट मांगते हो तो नहीं देता है ना, तो उसके लिए है ब्लूटूथ से ये ले सकते हो आप लोग। सिंपली गाइस इस फ़ोन में आपको वही हॉटस्पॉट वाला ऑप्शन खोज के निकालना होगा कैसे। तो मेरा ये फर्स्ट में हॉटस्पॉट का एंड यहाँ पर देख सकते हो ब्लूटूथ ट्रेंडिंग का, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। जस्ट ऑन करने के बाद मेरा जो दूसरा फ़ोन है उसमें आपको ब्लूटूथ को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरा फ़ोन जो है टूटा ड्रिल, उसके बगल में क्लिक करके यहाँ पर इंटरनेट को एक्सेस कर देना होगा। सिंपली गाइस एक्सेस करने के बाद ये दोनों फ़ोन कनेक्ट हो गए। अब मैं दूसरे फ़ोन की स्क्रीन में देखो यहाँ पर मैं सिर्फ इंटरनेट को ऑन कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ पर मेरा सैमसंग का फ़ोन है, इसमें अभी इंटरनेट वगैरह सब चीज़ ऑफ है। सिंपली मैं दिखा देता हूँ आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। तो गाइस ये ऑफ है तो सिंपली मैं आपको अभी दिखाता हूँ यूट्यूब चला के
ठीक है। तो सिंपली गाइस मैं यूट्यूब पर क्लिक करता हूँ, यानी ये जो मेरा यूट्यूब है वो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल डेटा मेरे दूसरे स्क्रीन पर देखो कि ऑन है, जस्ट मेरे सैमसंग के फोन में अभी ऑन नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया गाइस, देखो ये इस तरीके से यूट्यूब चल रहा है, बहुत ही अच्छा। और ये जो आपको सेटिंग्स वगैरह पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।